अपन ने लास्ट मेथड में टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह है कि किसी भी वर्कर को मिनिमम रेमुनरेशन के प्रति आश्वस्त नहीं किया जाता है। यानी किसी वर्कर को ये आश्वस्त नहीं किया जाएगा, यदि आप कम से कम उत्पादन करोगे तो भी आपको इतनी मजदूरी का भुगतान तो किया ही जाएगा। ऐसा उसमें टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में आश्वस्त नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे इमर्सन इफिशेंसी प्लान। इमर्सन इफिशेंसी प्लान में एक वर्कर को यह आश्वस्त किया जाता है कि यदि आप बहुत कम उत्पादन करोगे तो कोई बात नहीं, आपको इतनी मजदूरी, इतनी न्यूनतम मजदूरी तो आपको दी जाएगी। यदि आप इससे अधिक उत्पादन कर रहे हो तो आपको अधिक बोनस भी दिया जाएगा और अधिक रेमुनरेशन का पेमेंट किया जाएगा। इस मेथड में यदि कोई वर्कर टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का 66.67% तक उत्पादन करता है, 66.67% कह दो या 2/3 भाग कह दो, ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यदि कोई वर्कर टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का 66.67% या 2/3 पार्ट पूरा करता है तो उसको नॉर्मल रेमुनरेशन या मिनिमम रेमुनरेशन का पेमेंट किया जाएगा। यानी एक वर्कर को आश्वस्त किया जाता है कि आपको यदि 66.67% यदि आप कम उत्पादन करते हो तो कोई बात नहीं, आपको नॉर्मल रेमुनरेशन जो सामान्य दर है परिसर में की, उसके आधार पे तो भुगतान किया ही जाएगा आपको। यदि वर्कर 66.67% टू 100% ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यदि कोई वर्कर 66.67% से 100% के मध्य प्रोडक्शन करता है तो उसको नॉर्मल वेजेस का पेमेंट तो किया ही जाएगा। प्लस साथ में 20% बोनस भी दिया जाएगा, +20% बोनस। अब जैसे मान लो कोई वर्कर 70% का प्रोडक्शन करता है तो उसको ये जरूरी नहीं कि उसको 20% ही बोनस दे देंगे। यानी 20% बोनस तब दिया जाएगा जब वह उसका प्रोडक्शन 100% हो जाएगा, तब 20% बोनस दिया जाएगा। यानी कोई वर्कर यदि 70% प्रोडक्शन करता है तो उसमें अलग अलग रेट क्वेश्चन में दी होगी, अलग अलग रेट डिसाइड की जाती है जो अपने को क्वेश्चन में दी होगी। जैसे मान लो 70% प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको 5% बोनस दिया जाएगा, यदि 80% प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको 10% बोनस दिया जाएगा, यदि 90% प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको 15% बोनस दिया जाएगा, और यदि 100% प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको 20% बोनस दिया जाए। इस प्रकार इसमें रेट्स डिसाइड की दी जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई वर्कर हंड्रेड परसेंट से भी अधिक प्रोडक्शन करता है स्टैंडर्ड आउटपुट के 100% से भी अधिक, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के 100% से भी अधिक प्रोडक्शन करता है तो उसको नॉर्मल रेमुनरेशन तो दिया ही जाएगा।
20% बोनस का भी हकदार हो जाएगा, क्योंकि 20% बोनस का हकदार तभी हो जाएगा जब उसका 100% हो जाएगा। अब यदि कोई वर्कर 100% से अधिक प्रोडक्शन करता है तो जितना अधिक प्रोडक्शन कर रहा है उसी हिसाब से उसका रेम्यूनरेशन परसेंटेज में बढ़ जाएगा। अब यहां पर जैसे मान लो 105% उत्पादन कर रहा है, तो इसका मतलब 5% बढ़ गया, तो इधर अलग से 5% रेम्यूनरेशन, 5% पारिश्रमिक और दिया जाएगा। यदि 110% हो जाएगा तो 100 से ऊपर कितना बढ़ा, 10% बढ़ गया, इधर पारिश्रमिक भी 10% बढ़ जाएगा। 115% प्रोडक्शन करता है तो कोई बात नहीं, 100 से ऊपर 15% बढ़ा तो 15% का रेम्यूनरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा बोनस और दिया जाएगा उसको। यानी जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से दिया जाएगा, 1% यदि प्रोडक्शन बढ़ता है तो 1% रेम्यूनरेशन बढ़ जाएगा, 1% इंक्रीज और 1% यानी 1% रेमुनरेशन बढ़ जाएगा फॉर एवरी 1% प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब इसे अपन एक एक एग्जांपल से समझते हैं। From the following information, calculate wages under immersion efficiency plans. Standard time अपने को दिया हुआ है 8 hours. आठ घंटे का अपने को परमापित समय दिया हुआ है। Standard production परमाप उत्पादन है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 100 यूनिट्स, 100 यूनिट का परमाप उत्पादन है। टाइम रेट है RS 20 पर हार, टाइम रेट RS 20 पर हार 1 घंटे के 20 रुपए का हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट की अलग अलग कंडीशन है, एक्चुअल आउटपुट अलग अलग कंडीशन दिए हुए, जैसे 60, 70, 85, 95, 100, 60, 70, 85, 95, 100, 110। एक कंडीशन है कि वो 60 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, फिर 70 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, 85 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, इस प्रकार इतनी कंडीशन अपने सामने है। अब इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी परसेंटेज है, साथ में क्या बोनस, अस्सी से नब्बे के बीच में 14% बोनस हो जाएगा,
और 90 से 100 के बीच में है, 20% बोनस दिया जाएगा। भाई ये अपने को क्वेश्चन में साफ साफ दी होगी कि जैसे वर्कर इसके मध्य प्रोडक्शन करता है तो 2% बोनस दिया जाएगा, 70 से 80 यूनिट बनाता है 8% बोनस दिया जाएगा, 80 से 90 यूनिट बनाता है तो 14% बोनस दिया जाएगा, और 90 से 100 यूनिट बनाता है तो 20% बोनस दिया जाएगा। यानी इसमें 20% बोनस दिया जा रहा है 66.67% से 100% के मध्य, और ये अलग अलग रेट अपने पास में। और अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितने यूनिट का है? 100 यूनिट का। चलो अलग अलग कंडीशन में अपन देखते हैं, यूनिट्स हो गए अपनी 60, 80, 85, 95, 100, 110 ये अपने पास यूनिट्स दी हुई है। अब यहां पर नॉर्मल वेजेज रेट कितनी दी हुई है अपने को? नॉर्मल वेजेस देखते हैं, इसमें नॉर्मल वेजेस देखो अपने को, एक दिन में कितने पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है? टाइम रेट 20 पर हार, यानी एक घंटे में 20 रुपए के हिसाब से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। अब अपने पास स्टैंडर्ड हावर्स कितने हैं टोटल? 8 hours। इसका मतलब ₹160। सभी कंडीशन में ₹160 के हिसाब से नॉर्मल वेजेस का पेमेंट तो किया ही जाएगा। यानी यदि 60 यूनिट बनाता है तो भी ₹160 दिए जाएंगे, ये तो नॉर्मल वेजेस हो गई। अब बात करते आगे, नॉर्मल वेजेस आ गए अपनी, अब बात करते इफिशियंसी की। यहां पर ये देखो 60 यूनिट बना रहा है, परमावित उत्पादन अपने पास है 100 यूनिट का, तो इफिशियंसी कितने परसेंटेज हो गई? 60% हो जाएगी। 70 यूनिट बना रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के पास 100 यूनिट का है तो 70% हो जाएगी, ये 85% हो जाएगी, 95%, 100% हो जाएगी, 110% हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बोनस कितना दिया जाना चाहिए, कितने परसेंट बोनस दिया जाना चाहिए। बोनस साठ यूनिट बना रहा है, ठीक है, 66% से कम है, 66.67% से, 66.67% से कम है, इसका मतलब कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, नॉर्मल वेजेस दी जाएगी, ओनली ₹160 दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 70% है, अब यहाँ पर देखो 66.67% से 70% तक 2% दिया जाएगा, उसके बाद 70 से 80 के बीच में 8% दिया जाएगा। अब या 70 इसमें आएगा, ये तो 70% 80% के बीच में 8% बोनस दिया जाएगा, इसमें बोनस परसेंटेज में 8% बोनस दिया जाएगा। 85% किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, इस सीरीज में आ रहा है, 14% बोनस दिया जाएगा। यहां पर देखो 95% किसमें आ रहा है? 20% में आ रहा है, 20% बोनस दिया जाएगा, यहाँ भी 20% बोनस दिया जाएगा। यहाँ पर ये देखो 110%, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से 10% एक्स्ट्रा, इसका मतलब 20% बोनस दिया जाएगा, 10% अलग से एक्स्ट्रा रेमुनरेशन और दिया जाएगा, तो 20 प्लस 10
30% बोनस और दिया जाएगा, ठीक है। अब अपन बोनस निकालते हैं। ₹160 दिए जाते हैं एक दिन के, बोनस कितना होगा यहां पर? बोनस इन आरएस, ये देखो यहां पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा क्योंकि 60 यूनिट ही बना रहा है। यहां पर देखो 70 यूनिट बना रहा है, 8% बोनस दिया जाएगा ₹160 का। तो ₹160 का 8% से कितना हो जाएगा? 12.16 x 28, 160 का 8%, ये हो जाएगा अपना 12.80 रुपये। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, इसका कितना हो जाएगा? 14% दिया जाएगा ₹160 का। 160 का 14% हो जाएगा 8, 14, 8, 22, 22.40। अब यहां पर देखो 20% 160 का, 20, 160, 32, यहां पर बोनस दिया जाएगा सेम है 32, यहां पर दिया जाएगा 30 के हिसाब से 16, 3, 48, ठीक है, इस प्रकार बोनस दे देगा। अब टोटल रेमुनरेशन आ जाएगा अपने पास में 160 रुपये, यहाँ तो 160 रुपये, यहाँ पर 160 प्लस 12.80, 172.80। यहां पर देखो 160 प्लस 22 182, 32 प्लस 160 192, इसमें सेम हो जाएगा 192, और यहां पर 160 प्लस 48 208। इस प्रकार अलग अलग रेमुनरेशन का पेमेंट किया जाएगा। थैंक यू।